हेलो एवरीवन, स्टडी विद मैम का स्वागत है। आज आपके सामने फ्रेंड्स क्लास टेंथ के मैथ में बहुपद चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी करने वाले फ्रेंड्स, यदि आप क्लास टेंथ के छात्र हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और बेल आइकन के बगल फ्रेंड्स ऑल का साइन होगा, ऑल को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी हम वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप क्लास टेन के सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक है www.studybee.in, इस पर जाके आप बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, है ना। और हमारे वेबसाइट का लिंक फ्रेंड्स नीचे भी दिया गया है, वहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। बहुत सारा मॉडल सेट दिया गया है फ्रेंड्स। और इस चैनल पर फ्रेंड्स सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास टेंथ का सभी विषय का तैयारी करवाया जाता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या है आपका। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है? क्या है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है? तो फ्रेंड्स रैखिक बहुपद होता क्या है, जिसमें क्या होता है कि घात क्या होता है, एक ही होता है। जैसे क्या होता है रैखिक बहुपद, मतलब क्या हो गया 2x + 4, ये क्या हो गया आपका रैखिक बहुपद हो, क्योंकि फ्रेंड्स एक्स का पावर में क्या है 1 है। तो रैखिक मतलब क्या होता है आपका पावर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितना हो जाएगी तो 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यदि 2x + 4 बराबर, यदि हम क्या लिखेंगे 2x + 4 बराबर जब 0 लिखते हैं, क्योंकि शून्य कोई संख्या बोला है ना 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा ना, और x बराबर क्या हो जाएगा -4/2। तो 2 से 2 कट गया तो -2 हो जाएगा यहाँ पे x बराबर -2, क्योंकि शून्य कोई संख्या कितना हो गया 1 हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद की शून्य कोई संख्या 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बहुपद दिया गया आपका उसका क्या करेंगे हम बराबर 0 करेंगे, है ना। बहुपद कितना दिया गया आपका 2x² - 3x - 5 बराबर क्या दिया गया आपका 0 दिया गया है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा यदि इसको इसको यदि हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 को 2x² - 10 को क्या करेंगे -5 + 2 क्या होता है -3 हो जाएगा, और इन गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो -5x + 2x - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें यदि x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 5 + फिर इसमें 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - 5 और x + 1 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे x + 1 बराबर 0 लिखेंगे और 2x - 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2 हो जाएगा ना, और x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो -1 या 5/2 किस ऑप्शन में है, -1 है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी में, क्योंकि एक ही शून्यक मांग रहा है तो -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग निकालना है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुपद का जो फॉर्म होता है ना क्या होता है ax² + bx + c होता है ना, इसका बहुपद का फॉर्म आता है आपका रूप है इसका। तो यहाँ पे α + β शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा α + β बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ पे देखिए b के जगह पे क्या है आपका -11 है, a के जगह पे क्या है, a के जगह पे क्या है 6 है, b के जगह पे क्या है -11 है, c के जगह पे क्या है 3 है। तो यहाँ पे α + β बराबर -b/a हो जाएगा। तो b बराबर क्या है यहाँ पे -11 है, माइनस पहले से यहाँ पे है तो -11/a बराबर कितना है 6 है। तो क्या हो जाएगा --+11/6, तो क्या हो जाएगा 11/6 किस ऑप्शन में है
ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुपद दिया गया है 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग निकालना है। तो यहाँ भी फ्रेंड्स क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे b बराबर कितना दिया गया, -14 दिया गया है, क्योंकि a बराबर कितना है 5 है, b बराबर -14 है और c बराबर क्या है 8 है। तो यहाँ पे माइनस पहले से b बराबर कितना है -14 है, -14, a बराबर क्या है आपका 8 है, सॉरी 5 है ना, a बराबर क्या है 5 है। तो क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे क्या है 5 है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 14/5। तो क्या हो जाएगा 14/5 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी 14/5। अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए बहुपद x² - 11 के शून्य है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुपद x² - 11 के शून्यक है, तो यहाँ पे x² - 11 बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, क्योंकि शून्यक मांग रहा है ना, तो बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे x² बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 11, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 11, यानी प्लस 11 और -√11, यानी +√11 और -√11 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है ना। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद बोल रहा है, द्विघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है आपका x² - α+β(x) - α+β(x) + α(β). यहाँ पे क्या बोल रहा है द्विघात बहुपद, लेकिन द्विघात समीकरण बोलता है ना, तो क्या होता है बराबर 0 हो जाता है, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं बोल रहा है, द्विघात बहुपद ही बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या है बराबर 0 नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए x² - शून्यकों का योग यानी क्या होता है α+β, तो α+β बराबर क्या आपका -4 है, तो -4 × x + यहाँ पे क्या है गुणनफल है, तो α×β का गुणनफल क्या है -5 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - −4x + −5 किस ऑप्शन में है, x² + 4x - 5 किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी है। क्या है x² + 4x - 5, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये फ्रेंड्स काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है। अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान निकालना है, क्या निकालना है के का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या दिया गया आपका x² के कॉमन में कुछ भी नहीं है, तो ए का यहाँ पे है ना, ए बराबर क्या है 1 है, बी बराबर क्या है -k है यहाँ पे, और सी बराबर क्या है 8 है। तो यहाँ पे क्या है शून्यकों का योग निकालना है, तो α+β बराबर क्या होता है -b/a होता है, तो यहाँ पे b के जगह पे क्या है -k है, माइनस पहले से है ना, b के जगह पे क्या है -k है, और a के जगह पे क्या है 1 है, क्या है 1 है, और यहाँ पे शून्यकों का योग दिया गया है कितना, यहाँ पे 6 दिया गया है ना, क्या दिया गया 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -±+k/a। तो यहाँ पे इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा k = 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी है, ऑप्शन नंबर आपका डी है, क्योंकि फ्रेंड्स α+β बराबर क्या होता है -b/a होता है, α+β का मान दिया गया है ना 6 दिया गया है,
और माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे हम निकाल लिए हैं, तो माइनस बी बराबर क्या दिया गया है, माइनस के, तो माइनस के अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस के अपॉन वन, तो क्या है के बराबर 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस गुना, तो 6 गुने 1 बराबर के गुने 1, तो के बराबर 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, देखिए, यदि f ऑफ x बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 5 2 f ऑफ 1 का मान निकालना है, यहाँ पे क्या दिया गया है, x बराबर दिया गया इतना, तो 1 बराबर x बराबर क्या लिखेंगे हम, 1 ले लेंगे, f ऑफ 1 का मान बोला है ना, तो यहाँ पे f ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 5 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 अब प्लस 2, क्योंकि x का मान हम क्या लिए 1 है यहाँ पे, तो x का मान 1 लिखेंगे, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 गुने 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 गुने 1 2 प्लस 2 2 2 4 1 5 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, 0 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में आपका 0 है ना, तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 का मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, देखिए, द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई प्लस 2 के शून्यकों का योग निकालना है, क्या निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है, तो यहाँ भी देखिए ए बराबर क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर के कॉमन में कुछ भी नहीं है, तो एक है यहाँ पे, तो 1, बी बराबर क्या है यहाँ पे 3 है, और सी बराबर क्या है 2 है यहाँ पे, है ना, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो बी के जगह पर क्या है यहाँ पे, बी के जगह पर क्या है 3 है ना, 3 अपॉन ए 1, तो क्या हो जाएगा -3, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है डी है, यानी द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघात बहुपद निकालना है, हम जानते हैं फ्रेंड द्विघात बहुपद का जो फॉर्म होता है ना, एक क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, द्विघात बहुपद का ही फॉर्म होता है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया गया है 3 दिया गया है, तो शून्यकों का योग मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया -40, तो क्या लिखेंगे -40 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 40, तो किस ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 आपका ऑप्शन नंबर अब आपका क्या है ए है, ऑप्शन नंबर आपका ए है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 है ना, ये क्या हो गया आपका द्विघात बहुपद का ये फॉर्म है ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी है, बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्यक है, यानी शून्यक निकालना है, तो इसका मतलब क्या बराबर 0 करेंगे यहाँ पे, तो 5y² माइनस 25 बराबर 0, तो अब देखिए यहाँ पे तो 5y² बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 25 इस साइड जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25/5, तो यहाँ पे 5 या 25, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5, तो प्लस रूट 5 और माइनस रूट 5 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी है, ऑप्शन नंबर आपका सी है ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, देखिए बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात निकालना है, तो घात देखिए यहाँ पे कितना है 2 है यहाँ पे, है ना, तो किस ऑप्शन में है आपका, इसमें देखिए फ्रेंड्स 2x² प्लस 5x माइनस 12 का यदि घात बोल रहा है, तो x का कॉम पावर में क्या है 2 है ना, तो क्या हो जाएगा घात बराबर 2
आपका 2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका बी में है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जोर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा आगे वाला बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स, है ना।